बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज स्ट्राइक चल रही है गुजरांवाला में। एक दोस्त आज सुबह परेशान था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन बेल पटिशन पर किस तरह से असरअंदाज होती है, तो कुछ डिस्कशंस हुई। मैंने कहा सब दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए इस बात को। याद रखिएगा कि बेल बुनियादी तौर पर ट्रांसफर ऑफ कस्टडी ऑफ अक्यूज्ड है, जमानत की सतह पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन को इस तरतीब से और इस सीक्वेंस से एक कोर्ट को ज़ेरे गौर लाना होता है, क्योंकि उस सीक्वेंस को देखना है। पुलिस ने जो एविडेंस कलेक्ट किया है उसको एक तरतीब से अदालत ने देखना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पे पुलिस ने जो काम किया है वो ना सिर्फ रियासत का एक अहम इंस्ट्रूमेंट है उस वकूवा के बारे में एविडेंस की कलेक्शन का, और अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक अक्यूज्ड को जिसने बेल मूव की है उसको गिल्टी करार देने पर जोर ना देती हो, उसके खिलाफ कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल वाजे ना हो रहा हो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस की तफ्तीश में मुल्ज़म को कसूरवार ठहराने पर कोई जोर ना दिया जा रहा हो, जब तक मजबूत और कवी और जो क्रैबोरेटिव एविडेंस ना हो तो अदालत पुलिस इन्वेस्टिगेशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि उसके खिलाफ एक सॉलिड मटेरियल मौजूद है अक्यूज पार्टी के खिलाफ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी बाकायदा तौर पर इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मौजूद है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन दो तीन स्टेजेस पे हुई हो और पुलिस अफसरान की राय में वाज़े तौर पर कंट्राडिक्शंस आ रही हो, इन्वेस्टिगेशंस में मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन पे किसी इन्वेस्टिगेशन में ये बेगुनाह हुआ, किसी इन्वेस्टिगेशन में ये गुनाहगार हुआ, और जब पुलिस अफसरान की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की राय है उसमें कंट्राडिक्शन जो है वो वाज़े हो रही हो, तो वो कंट्राडिक्शन का फ़ायदा किसको जाएगा? आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल सिस्टम जो है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, वो कहता है कि कोई भी कंट्राडिक्शन जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आती है उसका फ़ायदा मुल्ज़म के पलड़े में जाता है, और ज़मानत को कभी भी पनिशमेंट के तौर पर रोका नहीं जा सकता जब तक के जुर्म साबित ना हो जाए, उस वक़्त तक के मुल्ज़म जो है वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस उसको हासिल है, उस वक्त तक वो मासूम है। और वैसे भी आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहता है कि अक्यूज जो है वो मुल्ज़म जो है वो तो कानून का ब्लू आई चाइल्ड है, नीली नीली आंखों वाला बच्चा है, उसकी तो वो फेवर करना चाहता है। अब याद रखिएगा कि जमानत को कभी भी सजा के तौर पर रोका नहीं जा सकता जब तक जुर्म साबित ना हो, उस वक़्त तक मुल्ज़िम बेगुनाह तसव्वुर किया जाएगा, क्योंकि राइट ऑफ फेयर ट्रायल, एक्सपीडियस ट्रायल जो है आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 भी इस बात पे जोर दे रहा है कि बिला ताखीर और मुनसफाना ट्रायल होना चाहिए, और इस्तगासा जो है उसको बिला शक व शुबा, बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट, यानी शुबा भी ना हो, साया भी ना हो डाउट का, अपने मामले को मुकदमे को साबित करना है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मुल्ज़िम के खिलाफ ना रहा हो
या मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस में कंट्राडिक्शंस बहुत ज़्यादा आ रही हों, देन बेल जो है वो दे दी जाती है। वैसे एक जनरल रूल के तौर पे याद रखिएगा कि बेल स्टेज के ऊपर टेंटेटिव असेसमेंट जो है फैक्ट्स की वही देखी जाएगी। कभी भी फैक्ट्स का बगौर जायजा, बगौर शहादत नहीं होगी, बल्कि सरसरी शहादत के तौर पे उसको देखा जाएगा। और कभी भी डीपर अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कहती है कि जमानत के स्टेज के ऊपर बार है, पाबंदी है उसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ सरसरी तायराना नजर, बर्ड आई व्यू जिसको हम कहते हैं, उससे अलावा नहीं। क्योंकि डीपर अप्रिसिएशन नहीं होगी, टेंटेटिव असेसमेंट होगी सिर्फ फैक्ट्स की। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मुलजम को कसूरवार ठहराने में किसी किस्म का कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है, कंट्रडिक्शंस हैं बहुत ज़्यादा, तो बेल हो में उस चीज़ को देखा जाएगा। और इस तरह से ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जो पिछले दिनों मेरी नज़र से गुजरी, पढ़ने के काबिल है। 2017 PCRL के पेज है 631। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।